नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कमेटी में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं खुशबू साहू। पिछले लेक्चर में हमने छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना, जलवायु और मिट्टी से संबंधित प्रश्नों को हल किया था और देखा था कि इन टॉपिक से किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। आज के लेक्चर में हम उससे आगे बढ़ेंगे और यहाँ के जल संसाधन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इसके अंतर्गत हम नदी अपवाह तंत्र, जलप्रपात, नदी परियोजना, बांध एवं एनीकट से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ये जितने भी टॉपिक यहाँ पर आपको बोर्ड में दिख रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नदी अपवाह तंत्र। यहाँ से प्रश्न CGPSC में पूछे जाते हैं, तो इसकी तैयारी आपको बहुत ही अच्छे से करनी है। और जो बाकी टॉपिक्स हैं वहां से भी सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन कंपलसरी तो नहीं होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी अपवाह तंत्र का ढाल पूर्व की ओर है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए महानदी अपवाह तंत्र, बी गोदावरी अपवाह तंत्र, सी गंगा अपवाह तंत्र और डी नर्मदा अपवाह तंत्र। तो पहले हम ये समझते हैं कि अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। तो नदी और उसकी सहायक नदियों की प्रवाह धारा को नदी अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, और जिस भौगोलिक क्षेत्र में ये नदी और इसकी सहायक नदियां बहती है उसे बेसिन कहा जाता है। ठीक, तो इसके आधार पर छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से पांच नदी अपवाह तंत्र हैं, जिसमें सबसे पहला है महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र का प्रतिशत है लगभग 56.11%। दूसरा बड़ा नदी अपवाह तंत्र है गोदावरी अपवाह तंत्र। इसके प्रतिशत की बात करें तो इसका प्रतिशत है 28.62%। छत्तीसगढ़ का तीसरा बड़ा नदी अपवाह तंत्र है गंगा अपवाह तंत्र, और अगर इसकी भागीदारी की बात करें तो इसका प्रतिशत है 13.62%। चौथा बड़ा अपवाह तंत्र है ब्राह्मणी अपवाह तंत्र, जिसकी भागीदारी है 1.03%। और पांचवा बड़ा अपवाह तंत्र है नर्मदा अपवाह तंत्र, जिसका प्रतिशत है 0.55%। ठीक है, अलग अलग किताबों में आपको ये आंकड़े अलग अलग देखने को मिलेंगे, लेकिन आप इतना ध्यान में रखिएगा कि जो लगभग भागीदारी है ना, वो इसकी 56 है, इसकी 28 है, इसकी 13 है, इसकी 0.55 मतलब कि 1% से कम है और इसकी लगभग 1% है। ठीक है, अलग अलग किताबों में पहले भी बता रही हूँ, इसके आंकड़े आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको लगभग पता होना चाहिए कि इन नदी अपवाह तंत्रों में छत्तीसगढ़ में अलग अलग नदी अपवाह तंत्र की भागीदारी कितने प्रतिशत की है। देखिए, सवाल ढाल के बारे में पूछा गया है तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये फ्लो किस प्रकार से करती है। जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि एक फ्लो किस प्रकार से करती है, किस दिशा में फ्लो करती है, तब तक आप उसके ढाल को नहीं समझ सकते। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि महानदी अपवाह तंत्र की मुख्य नदी महानदी है। ठीक है, गोदावरी अपवाह तंत्र की मुख्य नदी इंद्रावती नदी है। गोदावरी नदी जो है वो छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है, ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। ठीक है, इसकी सहायक इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में बहती है और वो दंडकारण्य के सभी नदियों का जल ग्रहण करके उसे गोदावरी नदी में मिला देती है। गंगा अपवाह तंत्र की मुख्य नदी सोन नदी है। ये भी ध्यान रखिएगा कि ना गंगा नदी यहाँ बहती है और ना ही सोन नदी यहाँ बहती है। ठीक है, यहाँ पर सोन नदी की सहायक नदियां बहती है। छत्तीसगढ़ के पूर्वी बघेलखंड के पठार में इसकी सहायक नदियां बहती है और उत्तर की ओर जाकर सोन नदी में मिल जाती है। ठीक, नर्मदा अपवाह तंत्र, ये नर्मदा नदी जो है ये भी यहाँ नहीं बहती है। नर्मदा अपवाह तंत्र की सहायक नदियां यहाँ बहती है। ठीक है, और ब्राह्मणी अपवाह तंत्र की बात करें तो इसकी चर्चा भी हम आगे करने वाले हैं। ठीक, तो इनका नाम किस प्रकार से रखा गया है? इनका नाम मुख्य नदी के आधार पर रखा गया है। ठीक है, भले ही उसकी सहायक नदियां छत्तीसगढ़ में बहती है, लेकिन जो मुख्य नदी है उसके नाम पर इस अपवाह तंत्र का नाम रखा गया है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर यहाँ पर यह दिया गया है कि गोदावरी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के दक्षिण में बहती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गोदावरी नदी भी छत्तीसगढ़ में बहती है। ठीक है, गोदावरी नदी की सहायक नदी इंद्रावती छत्तीसगढ़ में बहती है। ठीक, तो अब हम इसके फ्लो के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे
महानदी की। देखिए ये है छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र का मैप। यहाँ पर है धमतरी जिला। धमतरी जिले के अंतर्गत सिहावा पर्वत की पहाड़ी से ये यहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, ठीक है। यहाँ से महानदी निकलती है और उसके बाद ये दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए कांकेर जिले में एंटर करती है। कांकेर जिले में महानदी पर दूधवा जलाशय का निर्माण कराया गया है। फिर यहाँ से ये अपना दिशा परिवर्तन करके उत्तर पश्चिम की ओर बहते हुए बालोद जिले में एंटर करती है। और जैसे ही ये बालोद जिले में एंटर करती है फिर से ये अपना मार्ग की दिशा बदल देती है और उत्तर पूर्वी दिशा में बहने लगती है और फिर से धमतरी में एंटर करती है। तो देखिए यहाँ पर ये यू टर्न मार रही है, ठीक है, यहाँ पर ये यू टर्न ले रही है। फिर धमतरी जिले में बहकर ये आगे राज्य में एंटर करती है, राज्य में सोनडूर और पैरी नदी का जल ग्रहण करके ये आगे बढ़ती है। यहाँ पर देखिए ये रायपुर का मैप है और ये महासमुंद का। ये रायपुर और महासमुंद के सीमा में बहती है, ठीक है। यहाँ पर ये सूखा नदी और कोडार नदी, इन दोनों नदियों का जल संग्रहण करके आगे बढ़ती है और उसके बाद बलौदा बाजार में एंटर करती है। बलौदा बाजार में पलारी से होते हुए ये जैसे ही जांजगीर चांपा की सीमा में पहुंचती है तो ये अपनी दिशा पूर्व की ओर बदल देती है। यहाँ पर शिवरी नारायण में इस नदी से शिवनाथ नदी और जोग नदी आकर मिलती है और इस शिवरी नारायण में महानदी अपने नाम के जैसा स्वरूप पा लेती है, मतलब कि महानदी। देखिए यहाँ पर बहुत सारी नदियों का जल ग्रहण कर चुकी है महानदी, ठीक है। तो अब इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो चुका है। अब यहाँ पर ये जांजगीर चांपा और बलौदा बाजार के सीमा में बहते हुए आगे बढ़ती है। फिर चंदरपुर में इस नदी में मांड और लात आकर मिलती है और उसके बाद ये रायगढ़ से होते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है। उड़ीसा में कटक से 7 मील दूरी पर ये डेल्टा का निर्माण करती है और बहुत सारी धाराओं में विभाजित होकर अंततः बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या क्या समझ में आया, यहां से हमें ये समझ में आया कि महानदी सिहावा पर्वत से निकलती है, ये दो राज्यों में बहती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ के ये 9 जिलों में बहती है। देखिए कौन कौन सा जिला है, पहला धमतरी, दूसरा कांकेर, तीसरा बालोद, फिर धमतरी में एंटर करती तो सब दोबारा काउंट नहीं करेंगे, चौथा गरियाबंद, पांचवा रायपुर, छठवा महासमुंद, सातवा बलौदा बाजार, आठवां जांजगीर चांपा और नौवां रायगढ़। इन 9 जिलों में महानदी बहती है और इसका ढाल देखिए किस तरफ है, तो इसका ढाल है पूर्व की ओर, ठीक है। ये पूर्व की ओर बहते हुए उड़ीसा राज्य में जाती है और उसके बाद फिर बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। तो ये छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में बहती है। तो यहाँ से ही हमारा ये सवाल जो है हल हो जाने वाला है कि महानदी का ढाल किस तरफ है, पूर्व की ओर है। और सवाल में भी क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का ढाल पूर्व की ओर है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महानदी। महानदी अपवाह तंत्र का ढाल पूर्व की ओर है। लेकिन ये जो बाकी नदियां हैं इनका ढाल किस ओर है इसे भी हम देख लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं गंगा नदी अपवाह तंत्र की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गंगा नदी अपवाह तंत्र की मुख्य नदी सोन नदी है। सोन नदी वैसे तो आपको किताबों में दिया गया है कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, लेकिन चिप्स के आंकड़ों के अनुसार ये पेंड्रा के पठार से निकलती है। पेंड्रा के पठार में सोन बचखार नामक स्थान से ये निकलती है और उसके बाद ये उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए इधर यहाँ पर अपना डायरेक्शन बदलती है और उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए ये आगे जाकर झारखंड से सीमा बनाते हुए पटना में रामनगर के पास गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। लेकिन क्या ये ढाल छत्तीसगढ़ का है, तो नहीं। सोन नदी अपवाह तंत्र के ढाल की अगर बात की जाए तो सोन नदी अपवाह तंत्र की नदियां छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी बहती है, तो बनास बहती है, गोपद बहती है, रिहंद बहती है और कन्हार बहती है। बनास नदी यहाँ मांसटोली की पहाड़ी से निकलती है और मध्य प्रदेश में शिकारगंज में जाकर सोन नदी से मिल जाती है। वहीं पर गोपद नदी सोनहट की पठार से निकलती है और ये यहाँ आगे
बर्दी, ये भी मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत प्लेस है, यहाँ पर जाकर वो सोन नदी में मिल जाती है। वहीं पर रिहंद और कन्हार की बात करें तो ये दोनों नदियां सोनभद्र जिले के अंतर्गत चोपन और यहाँ पर कोटा के समीप सोन नदी में मिल जाती है। ठीक है, रिहंद नदी कहाँ से निकलती है तो छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, सरगुजा जिले के अंतर्गत छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से निकलती है। वहीं पर कन्हार नदी पंडरा पाट के बखोना छोटी से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो छत्तीसगढ़ की नदियां हैं जो कि सोन नदी में जाकर मिल रही है, उन नदियों का ढाल तो उत्तर की ओर है। तो अगर हम सोन नदी अपवाह तंत्र के नदियों के ढाल के बारे में जानेंगे तो हमें ये समझ में आ रहा है कि इसका ढाल तो उत्तर की ओर है। ठीक, ये समझ में आया। अब हम इंद्रावती नदी के बारे में भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि इंद्रावती नदी का ढाल किस दिशा में है। तो इंद्रावती नदी यहाँ उड़ीसा के कालाहांडी जिले के अंतर्गत मुंगेर की पहाड़ी से निकलती है, फिर उसके बाद ये बस्तर में एंटर करती है। बस्तर में जगदलपुर के समीप यहाँ पर चित्रकूट जलप्रपात का निर्माण करती है और आगे दंतेवाड़ा में प्रवेश करती है। दंतेवाड़ा के बाद ये बीजापुर में बहते हुए छत्तीसगढ़ की सीमा में, ये देखिए यहाँ पर ऐसे बहते हुए छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना के सीमा संगम में गोदावरी नदी से मिल जाती है। इस सीमा संगम को सोमनूर संगम कहा जाता है। फिर उसके बाद ये जो गोदावरी नदी है, ठीक है, गोदावरी नदी मुख्य नदी है, तो गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ की सीमा में 10 किलोमीटर तक चलती है और उसके बाद फिर तेलंगाना में एंटर करती है और इस प्रकार से गोदावरी नदी आगे बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश में जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि इंद्रावती नदी का ढाल पहले तो पश्चिम की ओर है और उसके बाद फिर इधर दक्षिण की ओर है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि इंद्रावती नदी मतलब कि गोदावरी अपवाह तंत्र की बात की जा रही है। गोदावरी अपवाह तंत्र में छत्तीसगढ़ में तो मुख्य नदी इंद्रावती नदी है। ठीक है, तो इसका ढाल पहले पश्चिम की ओर है फिर उसके बाद दक्षिण की ओर है। ठीक, तो वैसे भी छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन के अंतर्गत हमने देखा था कि जिस जिस भौतिक प्रदेश का ढाल जिस तरफ होगा, नदी अपवाह तंत्र का ढाल भी उसी तरफ होगा। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका ढाल पश्चिम से दक्षिण की ओर। तो यहाँ से हमने क्या क्या जाना, यहाँ से हमने जाना कि महानदी अपवाह तंत्र का ढाल पूर्व की ओर, गोदावरी अपवाह तंत्र का ढाल पश्चिम से दक्षिण की ओर, गंगा अपवाह तंत्र का ढाल उत्तर की ओर। अगर हम नर्मदा अपवाह तंत्र के बारे में बात करें तो नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियां कबीरधाम जिले से निकलती है, इसकी सहायक नदी है ताड़ा और बंजर। ठीक है, ये दोनों नदियां कबीरधाम जिले से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए नर्मदा नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो ये किस तरफ बह रही है, पश्चिम की ओर बह रही है, तो यहाँ से हम ये मान सकते हैं कि इसका ढाल किस तरफ है, पश्चिम की ओर है। ठीक, अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, महानदी के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पर चार स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें सही कथन को चुनना है। पहला स्टेटमेंट, महानदी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। देखिए, जैसा कि हमने देखा था कि जो महानदी है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इन दोनों राज्यों में प्रवाहित होती है और यहाँ पर क्या लिखा गया, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी हो सकती है लेकिन केवल छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी तो नहीं है। महानदी की कुल लंबाई 858 किलोमीटर है और ये छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर की लंबाई तक बहती है। ठीक है, तो देखिए 286 किलोमीटर की लंबाई महानदी की छत्तीसगढ़ में है जबकि छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली शिवनाथ नदी की लंबाई है जो केवल और केवल छत्तीसगढ़ में ही प्रवाहित होती है जो कि महानदी की सहायक नदी है, इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। तो ध्यान में रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है लेकिन छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है। छत्तीसगढ़ की मतलब
जो छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है और किसी अन्य राज्य में प्रवाहित होती है, लेकिन केवल छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली की बात की जाए तो वो शिवनाथ नदी है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो पहला कथन जो है वो इनकरेक्ट है। दूसरा कथन, इसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। हमने देखा कि महानदी और उसकी सहायक नदियां छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में बहती है। ठीक है, और यहाँ पर इन नदियों पर बहुत सारे बांध का निर्माण कराया गया है सिंचाई के उद्देश्य से। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ की मैदानी क्षेत्र में है, यहाँ पर धान की खेती होती है, यहाँ पर सबसे ज्यादा उद्योगों को स्थापित किया गया है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि हाँ, छत्तीसगढ़ के मैदान में जल की उपयोगिता को कौन पूरा कर रहा है, तो महानदी और उसकी सहायक नदियां कर रही है। तो हाँ, इसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है और इसे छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहा जाता है। गंगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी तो नहीं है। यह छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में प्रवाहित होती है। हमने देखा था ना, पिछली बार जब हम पिछले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में प्रवाहित होती है। तो हाँ, ये कथन सही है। राज्य शिवरी नारायण सिरपुर इसके तटवर्ती नगर है। तो देख लेते हैं हम मैप में, ये है छत्तीसगढ़ का मैप। यहां पर है राज्य, राज्य में महानदी पैरी और सोनपुर का त्रिवेणी संगम है। आगे सिरपुर, ठीक है, सिरपुर भी महानदी के तट पर स्थित है। आगे और कौन सा क्षेत्र है? शिवरी नारायण। हमने देखा था ना कि शिवरी नारायण में, यहाँ पर शिवरी नारायण में शिवनाथ और जोग नदी आकर मिलती है। तो हाँ, ये तीनों शहर, ये तीनों नगर जो है महानदी के तटवर्ती नगर हैं। इसके अतिरिक्त और कौन कौन से नगर हैं महानदी के तट पर, जो मुख्य रूप से है वो बता रही हूँ। ठीक है, जो नहीं बताई इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं बताई। कल भी जब हम सवाल डील कर रहे थे तो मैंने काली मिट्टी के बारे में बताया था। वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि काली मिट्टी छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र में मिलती है और थोड़ा उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती, तो मुख्य रूप से यहाँ पाई जाती है। ठीक है, हाँ, दंडकारण्य के पठार के कुछ क्षेत्रों में भी पाई जाती है, दंडकारण्य की नदी घाटी में कुछ थोड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, मतलब कि नीचे का जो हिस्सा है, नदी घाटी का जो हिस्सा है वहां पर थोड़े मात्रा में पाई जाती है, लेकिन प्रमुख रूप से वो कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ पर इस मध्य क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं तटवर्ती नगर के बारे में बता रही हूँ तो ये ध्यान रखिए कि प्रमुख तटवर्ती नगर के बारे में बता रही हूँ। और भी ऐसे बहुत सारे शहर होंगे जो कि महानदी के तट पर बसे हुए हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर मैं उन नगरों की बात कर रही हूँ जो कि CGPSC में पूछे जा सकते हैं। तो प्रमुख नगर की अगर बात करें तो यहाँ पर है राजिम, यहाँ पर है सिरपुर, इधर बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत पलारी, ठीक है, जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत शिवरी नारायण और चंद्रपुर, यहाँ पर रायपुर, ये है रायपुर। ठीक है, यहाँ पर राजिम तो है ही और रायपुर में आरंग भी है, आरंग भी महानदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक, तो ये सारे तटवर्ती नगर को आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि जो चौथा स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। तो असत्य कथन कौन सा है? ये है ना। तो 2, 3 और 4, ये हमसे सत्य कथन पूछा गया है ना, तो 2, 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है, त्रेता युग में महानदी को किस नाम से जाना जाता था? देखिए, महानदी बहुत ही प्राचीन नदी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिहावा पर्वत, ये सिहावा पर्वत से निकलती है और सिहावा पर्वत में श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। ठीक, और श्रृंगी ऋषि कौन से युग के हैं? तो वो त्रेता युग के हैं। ठीक, तो महानदी बहुत ही प्राचीन नदी है। महानदी का प्राचीन नाम कनक नंदिनी है, ये बिल्कुल आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहां से भी CGPSC में सवाल बहुत बार पूछा गया है। महानदी का प्राचीन नाम कनक नदी है, कनक नंदिनी है। ठीक है, सतयुग में महानदी को नीलोत्पला कहा जाता था, तो त्रेता युग में महानदी को महानंदा कहा जाता था। महानंदा श्रृंगी ऋषि की प्रिय शिष्या का नाम था और उसी के नाम पर इस नदी को महानंदा के नाम से जाना जाता था। तो वहीं पर द्वापर युग में
द्वापर युग में महानदी को चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता था। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, अलग अलग युग में अलग अलग समय में महानदी को अलग अलग नाम से जाना जाता था और वर्तमान में इसे महानदी के नाम से जाना जाता है। इसमें ये देखिए, ये जो नीलोत्पला है ना, नीलोत्पला का उल्लेख वायु पुराण में किया गया है और द्वापर युग में इसे चित्रोत्पला कहा जाता था और चित्रोत्पला का उल्लेख ब्रह्म पुराण और मत्स्य पुराण में भी किया गया है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा कि पुराणों में इस नदी को किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये जितने भी नाम हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो सबसे प्राचीन नाम कौन सा है? कनक नंदिनी। फिर सतयुग में नीलोत्पला, फिर त्रेता युग में महानंदा, फिर द्वापर युग में चित्रोत्पला। और सवाल क्या पूछा गया है कि त्रेता युग में महानदी को किस नाम से जाना जाता था? तो त्रेता युग में किस नाम से जाना था? महानंदा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्न स्थानों में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर की ओर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सिद्धपुर, राजिम, शिवरीनारायण और पलारी। पूरे ऑप्शन में इन्हीं चार नगरों के नाम दिए गए हैं। तो हम मैप में समझने का प्रयास करते हैं कौन कौन सा नगर है। सिरपुर, राजिम, शिवरीनारायण और पलारी। देखिए, सिरपुर कहाँ है पहले हम मार्क कर लेते हैं। सिरपुर है यहाँ पर, ठीक है, ये है महासमुंद जिले के अंतर्गत सिरपुर, बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत पलारी, यहाँ पर ये गरियाबंद, ये यहाँ पर है राजिम और यहाँ पर है शिवरीनारायण। तो यहाँ पर दक्षिण से उत्तर की ओर अगर हम देख रहे हैं तो सबसे पहले राजिम है, फिर सिरपुर है, फिर पलारी है और फिर शिवरीनारायण है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहले क्या था? पहले था राजिम, फिर सिरपुर, राजिम, फिर सिरपुर, राजिम, फिर सिरपुर, फिर यहाँ पर पलारी, फिर शिवरीनारायण। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले राजिम है, फिर सिरपुर है, फिर पलारी और फिर शिवरीनारायण है। इस सवाल को CGPSC प्री 2014-15 में पूछा गया था और इस प्रकार के सवाल भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैंने महानदी से संबंधित सवाल को रखा है, तो आप शिवनाथ नदी से रिलेट तटवर्ती नगर को भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मैं यहाँ पर क्वेश्चंस की वैरायटी बता रही हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको खुद ही फॉर्म करने होंगे। अगर मैंने यहाँ पर महानदी से संबंधित सवाल को डील किया है तो आपको खुद से अंडरस्टूड होना चाहिए कि शिवनाथ नदी कहाँ से निकलती है और शिवनाथ नदी के तटवर्ती नगर कौन कौन से हैं और दक्षिण से पश्चिम अगर हम जाते हैं तो कौन कौन से तटवर्ती नगर आते हैं। तो इस प्रकार से कुछ सवाल आपको घर में बैठकर खुद ही बनाना है, कुछ सवाल मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करा दूंगी। तो इस प्रकार से हमें तैयारी करना है, सिर्फ हमको वीडियो नहीं देखना है बल्कि जब हम वीडियो देख लें तो उसके बाद हमें घर में बैठकर और भी कुछ क्वेश्चन फॉर्म करने पड़ेंगे और उसके बाद फिर उन सभी प्रश्नों को हल भी करना होगा। और इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि हर रविवार कंपटीशन कम्युनिटी के द्वारा वेबसाइट पर 11 बजे ऑनलाइन फ्री टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। जिस भी स्टूडेंट को उस टेस्ट में भाग लेना है वो मंडे से लेकर फ्राइडे तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपकी तैयारी और भी बेहतर होगी। अब हम बात करते हैं अपने अगले सवाल की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस जिले में शिवनाथ नदी नहीं बहती है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, दुर्ग, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा और बादौर। पहले हमें ये समझना होगा कि शिवनाथ नदी किन किन जिलों में बहती है। तो आइए समझते हैं। देखिए, इसको हम थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। राजनांदगांव जिले के अंतर्गत शिवनाथ नदी अंबागढ़ तहसील में पाना बरस की पहाड़ी से निकलती है। यहाँ से ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहते हुए आगे बढ़ती है और उसके बाद दुर्ग जिले में एंटर करती है। दुर्ग जिले में ये बहते हुए आगे बढ़कर ये बेमेतरा जिले में एंटर करती है और बेमेतरा जिले में बहते हुए यहाँ से ये रायपुर की सीमा में बहती है। ठीक है, रायपुर के अंदर नहीं, रायपुर की सीमा में बहते हुए फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये है बेमेतरा और ये है
बलौदा बाजार। इन दोनों की सीमा में बहते हुए आगे फिर ये मुंगेली के साथ सीमा बनाते हुए बहती है, फिर बिलासपुर के साथ, और उसके बाद ये जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण में महानदी से मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमें क्या क्या समझ में आया कि शिवनाथ नदी पानाबरस की पहाड़ी से निकलती है, ये राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, बलौदा बाजार और जांजगीर चांपा जिले में बहती है। मतलब कि ये टोटल 7 जिलों में बहती है। राजनांदगांव के अंतर्गत पानाबरस की पहाड़ी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई है 290 किलोमीटर और ये छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? ठीक है, अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल में क्या कहा गया है कि कौन कौन से जिले में ये नहीं बहती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दुर्ग जिले में भी बहती है, बलौदा बाजार में बहती है और जांजगीर चांपा में बहती है। तो किस जिले में नहीं बहती है? तो ये बालोद जिले में नहीं बहती। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एक बात ध्यान में रखिएगा कि शिवनाथ नदी और महानदी ये दोनों नदियां बलौदा बाजार और जांजगीर चांपा जिले में बहती है। ठीक है, ऐसे दो जिले हैं जहां पर ये दोनों नदियां बहती है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये टोटल 7 जिलों में बहती है और ये टोटल 9 जिलों में बहती है। ठीक, अब हम शिवनाथ नदी के सहायक नदी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, तो शिवनाथ नदी में दक्षिण की ओर से कौन कौन सी नदी बहती है और उत्तर की ओर से कौन कौन नदी बहती है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, मैं प्रमुख नदियों की बात कर रही हूँ। ठीक, अगर मैंने किसी नदी का जिक्र नहीं किया है इसका मतलब ये नहीं है कि वो नदी नहीं बहती है। यहाँ पर मैं प्रमुख नदियों की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर आते हैं हम दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी की पहली बात करते हैं। तो यहाँ पर दक्षिण में देखिए, जो खरखरा नदी है ये बालोद जिले के अंतर्गत डोंडी लोहारा के पठार से निकलती है और उसके बाद बालोद जिले की सीमा में शिवनाथ नदी से मिल जाती है। ये ध्यान में रखिएगा कि खरखरा नदी बालोद जिले में बहती है और शिवनाथ नदी बालोद जिले में नहीं बहती है, ये उसकी सीमा में जाकर शिवनाथ नदी से मिल जाती है। तो दक्षिण की ओर से मिलने वाली पहली नदी क्या है? खरखरा। अब दूसरी नदी की बात करते हैं, तांडुला। ये भी बालोद जिले के अंतर्गत भानु प्रतापपुर की पहाड़ी से निकलकर बालोद जिले में बहते हुए दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी से आकर मिल जाती है। तो दूसरी नदी क्या है? तांडुला नदी। ठीक, तीसरी सहायक नदी खारून नदी। खारून नदी बालोद जिले के अंतर्गत पेटे चुआ की पहाड़ी से निकलती है, फिर ये दुर्ग और धमतरी से सीमा बनाते हुए आगे दुर्ग और रायपुर की सीमा में बहती है और फिर ये यहाँ आगे सोमनाथ में शिवनाथ नदी से मिल जाती है। तो खारून नदी भी कहाँ से निकलती है? तो बालोद से निकलती है। ये तीनों नदियाँ बालोद जिले से निकलते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। और खारून नदी कहाँ मिलती है? सोमनाथ में शिवनाथ नदी से मिलती है। तो शिवनाथ नदी और खारून नदी का संगम कहाँ है? तो सोमनाथ में है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब चौथी नदी जमुनिया, ये बलौदा बाजार में बलौदा बाजार से निकलती है और वहीं मिल जाती है शिवनाथ नदी से। तो आपको इन चार नदियों के नाम ध्यान में रखने हैं जो कि शिवनाथ नदी से दक्षिण से आकर मिल जाती है, शिवनाथ नदी की सहायक नदियां हैं। अब मिलने वाली नदियों की हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो उत्तर की ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आमनेर नदी की। देखिए, यहाँ पर जो आमनेर नदी है ना वो मैकल रेंज से निकलती है, लेकिन ये कबीरधाम से निकलती है। ठीक है, फिर ये राजनांदगांव जिले में खैरागढ़ के पास आती है। खैरागढ़ में ये पिपरिया और मुस्का से आकर मिल जाती है। खैरागढ़ में आमनेर, पिपरिया और मुस्का, इन तीन नदियों का संगम है। उसके बाद ये नदी जो है वो फिर ये थोड़ा बेमेतरा जिले में बहती है और उसके बाद दुर्ग जिले में आकर शिवनाथ नदी से मिल जाती है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो आमनेर नदी है वो कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा और दुर्ग जिले में, और दुर्ग जिले में ये शिवनाथ नदी से आकर मिल जाती है। ठीक है, तो पहले हम किसकी बात किए?
आमनेर। ठीक है, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो पिपरिया और मुस्का। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं हाफ नदी की। हाफ नदी जो है कांदाबानी की पहाड़ी कबीरधाम जिले से निकलती है और उसके बाद ये बेबेतरा जिले में बहते हुए यहाँ पर, ठीक है, शिवनाथ नदी में आकर मिल जाती है। ठीक, आगे हम बात करेंगे हाफ। हाफ की भी हमने बात कर ली। अब हम और आगे बढ़ते हैं मनियारी नदी पे। मनियारी नदी मुंगेली जिले के अंतर्गत लोरमी के पठार से निकलती है, फिर उसके बाद मुंगेली और बिलासपुर की सीमा रेखा में बहते हुए आगर, घोंघा, टेसुआ और छोटी नर्मदा, इन चारों नदियों से, ये चारों नदियां जो है इस नदी में आकर मिल जाती है, फिर ये आगे बढ़ते हुए शिवनाथ नदी में आकर मिल जाती है। ध्यान में रखिएगा ये यहाँ पर, ये बिलासपुर में मिलती है। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं अरपा। अरपा नदी जो है वो खोंडरी होंगसरा की पहाड़ी से निकलती है और उसके बाद यहाँ पर बिलासपुर में ये खारंग नदी इससे मिलती है। ध्यान रखिएगा खारंग नदी में कूटाघाट बांध बनाया गया है बिलासपुर जिले के अंतर्गत रतनपुर के समीप। ठीक, और उसके बाद ये बिलासपुर में शिवनाथ नदी से मिल जाती है। ठीक है, लीलागढ़ नदी। लीलागढ़ नदी दीपका के पठार, ये कोरबा जिले के अंतर्गत दीपका के पठार से निकलती है और उसके बाद बिलासपुर और जांजगीर चांपा जिले में बहते हुए यहाँ पर जांजगीर चांपा जिले में शिवनाथ नदी से मिल जाती है। तो इस प्रकार से सहायक नदी कौन कौन सी है शिवनाथ में, तो हमने आमनेर की बात की, हाफ की बात की, उसके बाद मनियारी, फिर हमने आगे चर्चा की अरपा, लीलागढ़, ये सभी मुख्य रूप से नदी है। ठीक, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। सब कुछ हम क्वेश्चन के फॉर्म में डील नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन से रिलेट करके बाकी जितने भी बचे हुए एक्सप्लेनेशन है उसे हम यहाँ पर कर रहे हैं। सवाल है चंद्रपुर में किन तीन नदियों का संगम है, तो ये देखते हैं यहाँ पर, इस मैप को थोड़ा सा जूम करते हैं। ये है महानदी। ठीक, चंद्रपुर क्षेत्र में जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत चंद्रपुर में महानदी से उत्तर से मांड नदी और दक्षिण से लात नदी आकर मिल जाती है। मतलब कि चंद्रपुर में तीन नदी संगम है। यहाँ पर चंद्रहासिनी देवी का मंदिर भी है। मतलब कि यहाँ पर मांड, महानदी और लात, तीन नदियों का यहाँ पर संगम है, ये ध्यान में रखिएगा। मांड नदी जो है वो मेन पार्ट से निकलती है, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़ और जांजगीर चांपा में बहते हुए ये यहाँ पर कर महानदी से मिल जाती है। वहीं पर लात जो है सरायपाली ग्राम के अंतर्गत रतनपुर रदन की पहाड़ी से निकलती है और यहाँ पर फिर ये चंद्रपुर में आकर महानदी से मिल जाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ और त्रिवेणी संगम हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए शिवरी नारायण में महानदी से शिवनाथ और नीचे जोक नदी आकर मिलती है। ठीक, उसके बाद एक और त्रिवेणी संगम यहाँ पर राज्य में पैरी सोंडूर, यहाँ पर शिवरी नारायण का मंदिर है। ठीक है, यहाँ पर पैरी और सोंडूर नदी महानदी में आकर मिल जाती है। राजिम में राजीव लोचन का मंदिर है, महादेव का भी मंदिर है। ठीक, इसके अतिरिक्त एक और त्रिवेणी संगम है खैरागढ़ में आमनेर, मुस्का और पिपरिया। तो ये सभी त्रिवेणी संगम को भी आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी संबंधित सवाल पूछे जाते हैं CGPSC में। अगला सवाल, सुमेलित करें, सूची एक में नदियों के नाम दिए गए हैं और सूची दो में तटीय शहर दिए गए हैं। हसदेव नदी, हसदेव नदी, खारून नदी, अरपा नदी और केलो नदी, इसका फ्लो देख लेते हैं हम और हमें तटीय नगर के बारे में पता चल जाएगा। खारून, अरपा और केलो। सबसे पहले हम हसदेव नदी की बात कर लेते हैं। तो हसदेव नदी कैमूर सोनहट की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, ये कोरिया जिले में बहती है, फिर ये एंटर करती है कोरबा जिले में। ठीक, कोरबा जिले में हसदेव नदी पर हसदेव बांगो बांध बनाया गया है। ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है और इसका नाम मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना रखा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद ये आगे तान और अहिरन नदी से मिलते हुए जांजगीर चांपा में सीलादेही के निकट महानदी से आकर मिल जाती है। तटीय नगर दो है, ध्यान में रखिएगा, केवल दो मैं नहीं कह रही हूँ, ये दो प्रमुख रूप से है ये कह रही हूँ। ठीक है, एक तो कोरबा और दूसरा जांजगीर चांपा के अंतर्गत पिथमपुर, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो कोरबा तो हसदेव नदी का मैच हो गया, तो यहाँ पर हम पहला मैच कर लेते हैं हसदेव का कोरबा।
अब हम बात करते हैं खारू नदी की। तो देखते हैं खारू नदी, नीचे हमने देखा था ना, खारू नदी जो है वो पेटेचुआ की पहाड़ी से निकलती है बालू जिले के अंतर्गत, उसके बाद ये दुर्ग में बहती है, फिर रायपुर की सीमा में बहते हुए ये आगे सोमनाथ में शिवनाथ नदी से जाकर मिल जाती है। तो इसका तटीय नगर मुख्य रूप से दुर्ग और रायपुर है। ठीक, तो दूसरे का भी मैच कर लेते हैं हम, खारू नदी का तटीय नगर क्या होगा, रायपुर। अब हम बात करेंगे अरपा नदी की। तो अरपा नदी इधर उत्तर की ओर हम देख रहे हैं, ये पेंड्रा तहसील के अंतर्गत खोनरी खोमसरा की पहाड़ी से निकलती है, फिर बिलासपुर में बहती है और उसके बाद मानिक चौरा के समीप शिवनाथ नदी। तो इसका तटीय नगर क्या हो सकता है, तो बिलासपुर। ठीक, तो तीसरे का भी मैच कर लेते हैं, अरपा का बिलासपुर। ठीक, अब केलो, केलो नदी कहाँ बहती है, तो ये रायगढ़ में बहती है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये है केलो नदी। केलो नदी लुड़ेंग की पहाड़ी से निकलती है और ये रायगढ़ जिले में बहती है और उसके बाद फिर उड़ीसा में महादेवपाली के पास महानदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो इस हमारा ये करेक्ट मैच हो जाएगा, किस प्रकार से हमारा करेक्ट मैच हो जाएगा, अ का दो ब का एक, अ का दो और ब का एक, स का चार और द का तीन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला सवाल है प्रमुख नदियां और सहायक नदियां, इन्हें हमको सुमेलित करना है, एक तरफ नदियों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ सहायक नदियों के नाम दिए गए हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि गंगा की सहायक नदी क्या है, सोन नदी है। ठीक है, और यहाँ पर सोन नदी अपवाह तंत्र ही है, तो इसका करेक्ट मैच ये हो जाएगा। यहाँ पर महानदी की सहायक नदी गुरई है, देखेंगे हम मैप में, गोदावरी की सहायक नदी इरावती है और नर्मदा की सहायक नदी, मैंने आपको बताया था ना कि नर्मदा की दो सहायक नदी जो कि कबीरधाम जिले से निकलती है ताड़ा और जबकि वो बहती है नर्मदा नदी जाके मिल जाती है, तो इसकी प्रमुख सहायक नदी ये है। तो करेक्ट मैच क्या हो जाएगा, अ का दो, ब का तीन, स का चार और द का एक। इस प्रकार से कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है, अ का दो, ब का तीन, नहीं इस प्रकार से कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसे आप स्किप कीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अ का दो, ब का तीन, स का चार और द का एक। ठीक है, बुराई नदी को देख लेते हैं हम। तो जो बुराई नदी है वो कोरबा के पठार से निकलती है, ठीक है, और ये जांजगीर चांपा में महानदी से आकर मिल जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले सवाल की। अगला सवाल है मुनका बहार नदी किसकी सहायक नदी है, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए गोदावरी, बी इंद्रावती, सी कांगेर और डी सबरी। बहुत ही अच्छा सवाल, हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये है दंडकारण्य के क्षेत्र में बहने वाली नदी, यहाँ पर आप कुछ बारीक समझने का प्रयास करेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे गोदावरी नदी की। तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र जिले के अंतर्गत नासिक से त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है, त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक, ये महाराष्ट्र में इससे अरुण नदी आकर मिलती है और अरुण नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो वेन गंगा नदी। अब देखिए वेन गंगा नदी एमपी से निकलती है। ठीक, राजनाथ गांव में कुलझाड़ी की पहाड़ से बाघ नदी निकलती है और ये बाघ नदी बालाघाट में वेन गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि बाघ नदी राजनांदगांव जिले के अंतर्गत कुलझाड़ी की पहाड़ी से निकलती है, ये बालाघाट में वेन गंगा नदी से जाकर मिल जाती है, ये वेन गंगा नदी अरुण नदी से जाकर मिल जाती है और ये अरुण नदी अंततः गोदावरी नदी से जाकर मिल जाती है। मतलब कि ये जो बाघ नदी वो किसका हिस्सा है, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। ठीक, आगे आते हैं, उसके बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा में, इस सीमा संगम में जिसे सोमनूर संगम कहा जाता है, यहां पर ये इंद्रावती नदी से आकर मिलती है। यहां पर इंद्रावती गोदावरी नदी से आकर मिलती है, फिर 10 किलोमीटर तक छत्तीसगढ़ की सीमा में बहने के बाद गोदावरी नदी तेलंगाना में प्रवेश करती है और उसके बाद छत्तीसगढ़ में बहने वाली तालपेरू नदी गोदावरी नदी में आकर मिल जाती है और इस तालपेरू नदी की सहायक नदी है चीता नदी। ठीक, फिर हम आगे और बात करते हैं,
फिर उसके बाद गुब्बई वागू, कहीं कहीं इसका और अलग प्रकार का नाम दिया गया है। ये जो नदी है ये सुकमा जिले में बहती है, ये भी गोदावरी नदी में आकर मिल जाती है। फिर आगे कूनावरम भी, ये कूनावरम है, कूनावरम में सबरी नदी, सबरी नदी गोदावरी नदी में आकर मिल जाती है। तो कुछ प्रमुख बातें ये है कि गोदावरी नदी की सहायक नदी है अरुण नदी, यहाँ पर नीचे हम देख रहे हैं तो तालपेरू नदी, चीता नदी, ठीक है, और सबरी नदी, ये इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको स्पेशली इसे बताया गया। अब बात करेंगे सबरी नदी की। तो ये जो सबरी नदी है ये कोरापुट के संग्राम श्रेणी से निकलती है, ठीक है, और जब ये उड़ीसा में बहती तो इसे कोलाब नदी कहा जाता है, ठीक है, इसका ये प्राचीन नाम भी है, ठीक। उसके बाद फिर ये बस्तर की में सीमा बनाते हुए एंटर करती है, ये देखिए ये बस्तर की सीमा है, बस्तर जिले की सीमा है, यहाँ पर ये एंटर करती है। फिर उसके बाद यहाँ पर बस्तर में ये इसे कांगेर नदी आकर मिलती है। कांगेर नदी के नाम पर ही कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है। इस कांगेर नदी में भैंसा दरहा नामक क्षेत्र है जहां पर मगरमच्छ को प्राकृतिक रूप से संरक्षित किया गया है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और इस कांगेर नदी की सहायक नदी है मुनगाबहा नदी। मुनगाबहा नदी में तीरथगढ़ जलप्रपात है, ठीक। तो क्या क्या आपको ध्यान में रखना है कि मुनगाबहा नदी कहाँ बहती है, बस्तर में बहती है। इसमें राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात है। ये नदी कांगेर की सहायक नदी है, ठीक है, और कांगेर नदी सबरी की सहायक नदी है, ठीक है, ये सबरी में आकर मिल जाती है। फिर सबरी नदी जो है वो सुकमा में बहती है। सुकमा जिले में मलेंगर नदी इससे आकर मिलती है। मलेंगर नदी दंतेवाड़ा के बेलाडीला की पहाड़ी से निकलती है। ये सुकमा में मलेंगा नदी सबरी नदी से आकर मिलती है। और उसके बाद फिर सुकमा जिले में ही मुल्तार वागू नदी भी सबरी नदी से आकर मिलती है। फिर उसके बाद सुकमा और उड़ीसा की सीमा में बहते हुए ये आगे कूनावरम में गोदावरी नदी से मिल जाती है। छत्तीसगढ़ की एकमात्र सबरी नदी में कोंटा से लेकर कूनावरम तक 36 किलोमीटर की दूरी तक जल परिवहन की सुविधा है। ये आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ की एकमात्र ऐसी नदी है जहाँ पर जल परिवहन की सुविधा है। 36 किलोमीटर की दूरी तक इस जल परिवहन की सुविधा बनाई गई है। तो किस नदी पे है, सबरी नदी पर, ठीक है, कोंटा से लेकर कूनावरम तक। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब हम इंद्रावती नदी की बात करें तो पहले भी हमने इंद्रावती नदी का फ्लो देख लिया था, बस इसकी सहायक नदियों को ध्यान में रखिएगा। इसकी सहायक नदी जो ऊपर से उत्तर से इसकी इस पे आकर मिलती है और जो दक्षिण से इस पे आकर मिलती है। तो सहायक नदी कौन कौन सी है, कोटरी नदी, कोटरी नदी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग और नारंगी नदी आकर मिलती है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा, कोटरी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग और नारंगी। नारंगी नदी कोंडागांव माघड़ी पहाड़ी से निकलती है और ये बस्तर में आकर इंद्रावती नदी में मिल जाती है और उसके बाद फिर चित्रकूट जलप्रपात बनता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और दक्षिण से कौन सी नदी आके मिलती है, तो देखिए चिंतावागू, दो नदियां हैं चीता और चिंतावागू। चीता नदी जो है वो तालपेरू की सहायक नदी है और ये गोदावरी नदी में आकर मिलती है। चिंतावागू जो नदी है ये कुटरू बीजापुर की पहाड़ी से निकलती है और ये इंद्रावती की सहायक नदी है, ठीक है, ये इंद्रावती में आकर मिलती है। दूसरा बेलाडीला की पहाड़ी से निकलती है नंदीराज, ठीक है, नंदीराज नदी जो है ये बीजापुर में इंद्रावती नदी से आकर मिल जाती है। यहाँ पर दो और नदियां हैं, शंखनी और डंखनी। देखिए ये जो शंखनी और डंखनी नदी है ना, ये दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता का मंदिर है जहां पर तराला ग्राम में, यहाँ पर ये दोनों मिलती है और उसके बाद इस नदी को दंतेवाड़ा नदी कहा जाता है, ठीक है, ये भी इंद्रावती नदी में आकर मिल जाती है। तो दक्षिण से उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो शंखनी, डंखनी, नंदीराज और चिंतावागू, इन चार नदियों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो सवाल क्या था, सवाल था मुनगाबहा नदी किसकी सहायक नदी है, तो मुनगाबहा नदी किसकी सहायक नदी है, तो मुनगाबहार कांगेर की सहायक नदी है। ध्यान में रखिएगा, मुनगाबहार ये कांगेर की सहायक नदी है और कांगेर जो है वो सबरी की सहायक नदी है और सबरी जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिहन नदी की सहायक नदी नहीं है। यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो रिहन नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो महान, बोडनी
कोबरी और सूर्या। ये रिहन नदी की सहायक नदी है। पेंगर रिहन नदी की सहायक नदी नहीं है, ये कन्हार नदी की सहायक नदी है। कन्हार नदी की सहायक नदी सिंदूर, गलफुला, पेंगन, कहीं कहीं किताबों में पेंजन भी लिखा गया है, ठीक है, पेंजन और चिनाब, इन चार नदियों के नाम आप ध्यान में रखिएगा। कन्हार नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है और रिहन नदी की सहायक नदी कौन कौन सी, ये दोनों नदियां सोन नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है, रिहन और कन्हार। रिहन छुरीमतिरिंगा की पहाड़ी से निकलती है और कन्हार जो है पंडरापाट के बकोना चोटी से निकलती है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पेंगन। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी नदी और लंबाई की जोड़ी दी गई है और आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। अच्छा, सुमेलित नहीं है पूछा गया है, देखिए पढ़ाते समय भी ऐसा होता है कि मुझे भी ध्यान ना हो, तो फिर तो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, तो ये कभी कभी हम नहीं भूल जाते। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम पूरे क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है, हम बस यहाँ तक पढ़ लिए कि सुमेलित की बात की गई और हम आगे पढ़े ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, सवाल को कम से कम दो बार आपको पढ़ना है। ऑप्शन दिया गया है मांड 155, ये किलोमीटर है ना, यूनिट जो है किलोमीटर में दी गई है। कन्हार 145, अरपा 100 और सबरी 173। तो कुछ महत्वपूर्ण नदियां जो छत्तीसगढ़ में बहती है, छत्तीसगढ़ में उनकी लंबाई कितनी है ये आपको याद होना चाहिए। जैसे कि महानदी की कितनी है, 286, शिवनाथ नदी की 290, यहाँ पर मैं फर्स्ट लेटर ही लिख देती हूँ, ठीक है, महानदी की 286, शिवनाथ की 290, इंद्रावती की 264, खारून नदी की 208, हसदेव नदी की 176, सबरी की 173। इन सब की लंबाई आपको ध्यान में रखना है। मांड की 155, रिहन की 145, कोटरी और लीलागढ़ 135, कन्हार की 115 और अरपा की 100 किलोमीटर पे है ये सारे यूनिट। इन सभी प्रमुख नदियों की लंबाई आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर मैच कौन कौन सा करे, देखिए मांड की 155, कन्हार की 145 नहीं बल्कि 115 किलोमीटर लेंथ है, अरपा की 100 है और सबरी की 173। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्हार, ठीक। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। द नगरी जलप्रपात कहाँ स्थित है, यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, कोरबा, बस्तर, जशपुर और दंतेवाड़ा। सीधे सीधे आंसर पे आते हैं, द नगरी जलप्रपात जशपुर जिले के अंतर्गत बगीचा विकास खंड में है। ध्यान में रखिएगा, जलप्रपात से संबंधित आपको कुछ जलप्रपात ध्यान में रखने होंगे कि किस जिले में आते हैं। देखिए विकास खंड तहसील नहीं पूछेगा, कौन से जिले के अंतर्गत आता है ये पूछा जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना ही है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे कि रामदाह जलप्रपात कोरिया जिले में है, ठीक है, रानी दरहा जलप्रपात कहाँ है, तो सुकमा जिले में है, ये आप ध्यान में रखिएगा। कुछ कुछ कंफ्यूज करने वाले वाटरफॉल भी हैं, जैसे कि महासमुंद जिले में हम देखते हैं तो बलमदेही नदी पर सात देव धारा जलप्रपात है, तो वहीं पर बस्तर में सात धारा जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। इस जलप्रपात को बेड़ाघाट से भी सुंदर माना जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो रामदाह अमृत धारा ये हसदेव नदी पर है, इसे ध्यान में रखिएगा। रक्षगंडा सूरजपुर में है, ठीक, नीचे सरभंजा वाटरफॉल ये सरगुजा जिले में है। जशपुर जिले के सभी वाटरफॉल को ध्यान में रखिएगा, बेने प्रपात, खुड़िया रानी, राजपुरी, छुरी, गुलूफाल, ये सबको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। रानीदाह जलप्रपात जशपुर में है, रानीदाह जशपुर में है, रामदाह कोरिया में है और रानी दरहा सुकमा में है, ठीक। रोगदा जलप्रपात ये भी याद रखिएगा, रोगदा जांजगीर चांपा में है और राम झरना रायगढ़ में है। तो इस प्रकार से कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं, उन्हें आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है। दक्षिण की ओर हम देख रहे हैं तो चर्रे मर्रे याद रखिएगा, चर्रे मर्रे कांकेर जिले में है, खुरसेल नारायणपुर में है, इधर बोधघाट दंतेवाड़ा में है, गुप्तेश्वर सुकमा में है, तीरथगढ़, चित्रधारा, चित्रकूट, महादेव, घूमर घूमर, तामड़ा घूमर, जितने भी घूमर घूमर टाइप के हैं सब बस्तर में हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए, एक में जलप्रपात के नाम दिए गए हैं और बी में नदी के नाम दिए गए हैं। देवपहरी कोरबा जिले में चोरनई नदी पर है, चोरनई हसदेव की
सहायक नदी है। ठीक, गोधरा जलप्रपात ये उदंती नदी में है। उदंती नदी कहाँ बहती है? गरियाबंद में बहती है। ठीक है, सात धारा जलप्रपात हमने अभी देखा इंद्रावती नदी पर है ये बस्तर में, रानी दरहा सुकमा में, सबरी नदी पर है। तो एक का सा, दो का आ, तीन का द, ऑप्शन नंबर सी, ठीक, और चार का ब। अब हम बात करेंगे अपने अगले सवाल की। अगला सवाल है, मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना से किस जिले को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है? यहाँ पर चार जिले के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि किन किन जिलों को हसदेव बांगो डैम से सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर दिया गया है कोरबा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर और रायगढ़। इसे हम मैप से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये हसदेव नदी ये कैमूर सोनट की पहाड़ी से निकलती है कोरिया जिले से और उसके बाद ये एंटर करती है कोरबा जिले में। कोरबा जिले में माचा डोली क्षेत्र के अंतर्गत बांगो ग्राम में हसदेव बांगो बांध बनाया गया है। हसदेव बांगो क्यों? हसदेव नदी पर है, बांगो ग्राम में है। इसका नाम मिनी माता हसदेव बांगो डैम रखा गया है। इसका निर्माण 1967 में कराया गया था और 2012 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया। ठीक, निर्माण कब कराया गया? 1967 में। ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है, ध्यान में रखिएगा, 87 मीटर की इसकी हाइट है। ये छत्तीसगढ़ की बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब जिसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, जैसे कि सिंचाई की सुविधा के लिए, जल विद्युत के उत्पादन के लिए। ठीक है, यहाँ पर इस जल विद्युत गृह से 120 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाता है। 40 मेगावाट के 3 यूनिट यहाँ पर लगाए गए हैं। ठीक है, इस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस बांध से 3 जिलों को सिंचाई की सुविधा दी गई है, एक तो कोरबा, दूसरा रायगढ़ और तीसरा जांजगीर चांपा। ठीक, तो इतना आप इससे संबंधित ध्यान में रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़, इन तीनों जिलों में सिंचाई की सुविधा दी जाती है, बिलासपुर नहीं होगा। ठीक, तो सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है तो 1, 2 और 4 से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। शिवरी नारायण बैराज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? सीधी सी बात है, महानदी पर शिवरी नारायण बैराज का निर्माण किया गया है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है शिवनाथ, जोक, हसदेव और महानदी। ये दोनों नदियां बहती है, ठीक है, शिवरी नारायण में, लेकिन महानदी पर शिवरी नारायण बैराज का निर्माण किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, निम्न में से किस नदी परियोजना का निर्माण महानदी पर नहीं किया गया? सवाल में पूछा जाता है कि किस नदी परियोजना का निर्माण किया गया है। एक तो ये सवाल आता है और दूसरा कि कब किया गया है। दो प्रकार के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव नाम मुरुमसिल्ली बांध का रखा गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। मुरुमसिल्ली बांध का निर्माण 1923 में धमतरी जिले में सिलियारी नदी, ये महानदी की सहायक नदी है, सिलियारी नदी पर किया गया था। तो ये सिलियारी नदी पर इसका निर्माण किया गया है तो ये तो नहीं है, मतलब कि ये हमारा आंसर हो सकता है। दूसरा, दुधवा जलाशय कांकेर जिले में है, इसका निर्माण 1962 को किया गया था। इस बांध का निर्माण महानदी पर किया गया है। ठीक, तो महानदी पर इसका निर्माण किया गया है। पंडित रविशंकर शुक्ल ये कहाँ है? ये धमतरी में है, गंगरेल ग्राम में इस बांध का निर्माण किया गया है, 1979 में किया गया था और ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है, ये ध्यान में रखिएगा, लंबा बांध है, 1380 मीटर की इसकी लंबाई है। ठीक, गंगरेल डैम भी इसे ही कहा जाता है। तो ये किस पर है, किस नदी पर है? तो ये भी महानदी पर है। ठीक, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव ये केलो नदी पर इस बांध का निर्माण किया गया है रायगढ़ जिले में। संजय गांधी परियोजना खारंग नदी पर है, इसे खूटा घाट भी कहते हैं, रतनपुर से 12 किलोमीटर की दूरी पर खूटा घाट बांध का निर्माण कराया गया है, सिंचाई की सुविधा के लिए करवाया गया है। और क्या बताया मैंने कि किस नदी पर है, ये खारंग नदी पर है। तो इस प्रकार से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये और ये दोनों बांध महानदी पर निर्मित है,
ये केलो पर है, ये खारंग पर है और ये सिल्यारी नदी पर है। ठीक है, तो 1, 4 और 5 इन तीन परियोजनाओं का निर्माण महानदी पर नहीं किया गया है, 1, 4 और 5। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर एक तरफ सिंचाई परियोजना के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ नदियों के नाम दिए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है तो या तो ये पूछा जाता है कि किस परियोजना, कौन सी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, या फिर इसका निर्माण कब कराया गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संजय गांधी परियोजना, अभी हमने देखा ना खारंग नदी पर इसका निर्माण कराया गया है, इसे खूटाखाट बांध भी कहते हैं। 2021 में इसका निर्माण किया गया था। राजीव गांधी परियोजना, इसे ही मनियारी या फुड़िया बांध भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, मुंगेली जिले के अंतर्गत इस बांध का निर्माण कराया गया है मनियारी नदी पर। दुधवा परियोजना, हमने देखा ना दुधवा परियोजना किस नदी पर है, तो महानदी पर है, कांकेर जिले के अंतर्गत। और सीकासार परियोजना, ये महानदी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत बनाया गया परियोजना था, ये पैरी नदी पर है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो 1 का मैच स 2 का मैच द 1 का स 2 का द 3 का अ 3 का, देख लेते हैं, 1 का स 2 का द, दुधवा जो है महानदी, 3 का ब और 4 का आ। अब देखते हैं, 1 का स 2 का द 3 का ब और 4 का आ, ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से जल संसाधन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, जो नदी अपवाह तंत्र है वहाँ से बहुत डायरेक्शन में सवाल पूछे जा सकते हैं। ये पूछा सकता है कि महानदी की सहायक नदी कौन सी है, महानदी की लंबाई पूछी जा सकती है, उसके तटवर्ती नगर के बारे में पूछा जा सकता है। मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे वैरायटीज से सवाल पूछे जा सकते हैं। जलप्रपात से संबंधित सवाल किस प्रकार के आते हैं, तो ये जलप्रपात कौन से जिले में है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा और कुछ तो कौन सी नदी पर है। ठीक है, और कुछ प्रमुख नदियों के जलप्रपात ही अगर पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, अगर नदी संबंधित सवाल पूछे जाएंगे तो। ठीक है, और नदी परियोजना की बात करें तो इसका कोई पर्टिकुलर नाम है तो वो नाम से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है, या फिर इसका निर्माण कब कराया गया था, या फिर ये कहाँ स्थित है। ठीक, तो इस प्रकार से नदी अपवाह तंत्र, नदी परियोजना बांध एनीकट और जलप्रपात से संबंधित सवाल CGPSC में पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही। हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम कृषि, सिंचाई और पशुपालन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।